जय हिंद। मैं ब्रिगेडियर हेमंत महाजन फेसबुक लाइव में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है कि चाइना की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, गुप्तहेर संस्था है, वो भारत में उनकी इंटेलिजेंस ऑपरेशन किस प्रकार से करते हैं, उनकी जो कोवर्ट ऑपरेशंस वो हमारी देश की प्रगति रोकने के लिए है वो किस प्रकार से करते हैं, और इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा देश उनका मुकाबला कैसे करता है। याद ये रहना चाहिए कि हमारी देश के अंदर जो इंटेलिजेंस एजेंसी पाकिस्तान की है ISI, उसके बारे में सबको पता है। जो इंटेलिजेंस एजेंसी CIA यानी अमेरिका की है, उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता है। जो इंटेलिजेंस एजेंसी KGB ये रशिया की या USSR की होती थी, उसके बारे में हमें पता है। इनफैक्ट 2-3 हफ्ते पहले मैंने KGB के जो हेड है मिट्रोखिन, वो किस प्रकार से कार्रवाई करते थे, इसके बारे में आपको बताया था। लेकिन जो चाइना की एजेंसी है, इसके बारे में हमें बिल्कुल जानकारी नहीं है। वो किस प्रकार से कार्रवाई करते हैं, उनको अभी तक किस प्रकार से यश मिला है, ये सब चीजों की हम इसके बारे में हम बात करेंगे। और इम्पोर्टेंट ये है कि इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। एक देशभक्त नागरिक होने से हम देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्या कर सकते हैं, इस सब विषयों के ऊपर हम बातचीत आज करेंगे। ये मेरा आज का मेन टॉपिक होगा। और जो और टॉपिक जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कि 3 इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज पिछले 3 दिन में हुई है। नंबर 1, चाइना और अमेरिका के जो बड़े ऑफिसर है, यानी कि चाइना के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसे हम फॉरेन मिनिस्टर बोलते हैं, और पाकिस्तान और अमेरिका के, ये अमेरिका का जो अलास्का नाम का स्टेट है वहां पे वो मिले थे और उन्होंने एक दूसरे के साथ बातचीत की। इसका हमारे लिए क्या महत्व है? महत्व सीधा और साफ है। जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद दोनों देशों के बीच में, यानी कि USA और चाइना, ये पहली मीट थी। इसमें से क्या अचीव हुआ, तो इसका आंसर है 0। यानी कि इन दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ केवल झगड़ा किया कि आप ये करते हैं वो करते हैं। तो इसका एनालिसिस हमारे दृष्टि से क्या है? ये हमारे दृष्टि से चाइना और अमेरिका के बीच में एनिमिटी बढ़ना, ये हमारे लिए अच्छी बात है। हमारा नंबर 1 शत्रु है चाइना, और उसके और कोई शत्रु हो जाते हैं तो अच्छी बात इसलिए है कि चाइना की काफी एनर्जी अभी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ लड़ाई करने में खर्चा होगी, जिससे वो हमारे खिलाफ उनके लड़ने की ताकत ये काफी कम होगी। और दूसरा मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब अमेरिका में नई सरकार आई थी जो बाइडन की, जिसे आके अभी 2 महीने से ज्यादा समय हुआ है, कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि शायद ये पॉलिसी बदली करेंगे और फ्रेंड बनेंगे ये चाइना के, लेकिन ऐसे नहीं हो रहा है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है जो हमारे लिए अच्छी बात है। तो एक दोनों के बीच में जो झगड़ा है वो हमारे लिए अच्छा है, ताकि अमेरिका उनके खिलाफ ट्रेड वॉर करता रहेगा, अमेरिका उनके ऊपर इंटेलिजेंस ऑपरेशन करता रहेगा, अमेरिका उनसे अपनी इकोनॉमी डीकपल करने का प्रयत्न करेगा, अमेरिका अपने जो शस्त्र है वो साउथ चाइना समुद्र में भेजता रहेगा, जैसे उनके एयरक्राफ्ट कैरियर है, अमेरिका चाइना का हमला ताइवान के ऊपर ना हो इसलिए कार्रवाई करेगा, अमेरिका जो चाइना के शिप्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है, इसके ऊपर नजर रखेगा, ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। दूसरा विषय हम जो लेते हैं वो ये है कि USA के डिफेंस सेक्रेटरी श्री ऑस्टिन ये 3 दिन की विजिट के ऊपर हमारे देश के अंदर अभी है। आज उनका विजिट का 3रा दिन है। इसका क्या इम्पोर्टेंस है? मैंने पहले भी बोला है, एक बार फिर दोहराता हूँ कि USA टेक्नोलॉजिकली मोस्ट एडवांस कंट्री है, जिनसे हमें काफी हद तक टेक्नोलॉजी मिल सकती है। अभी जो ऑस्टिन यहाँ पे आए थे, ये जो बाइडन सरकार आने के बाद अमेरिका के बाहर उनकी ये पहली विजिट थी, और जिस विजिट के लिए उन्होंने भारत का चुनाव किया, इसका मतलब यह है
कि अमेरिका भारत को चाइना के खिलाफ काम करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्टनर समझता है, और अमेरिका भारत को अलग-अलग प्रकार की मदद करेगा, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, वो इंटेलिजेंस ट्रांसफर हो, वो सैटेलाइट रेकी हो, अलग-अलग तरीके होते हैं जो अमेरिका के पास काफी अच्छी तरह से अवेलेबल है, तो इसका फायदा हमें भी होगा, ये हमारे लिए अच्छी बात है। दूसरा, उन्होंने अपने स्टेटमेंट के अंदर बिल्कुल क्लियर और साफ किया हुआ है कि वो हिंदुस्तान को एक बहुत अच्छा मित्र मानते हैं, जिससे आने वाले दिनों के अंदर हम ये जो दो देश है उनके बीच में के जो संबंध है ये मजबूत होंगे। क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन के बारे में हमने बात की थी, जहाँ पे अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया इकट्ठा आकर एक अलायंस खोल रहे हैं चाइना के खिलाफ, तो इसको और ताकत मिलेगी, तो ये एक दूसरी अच्छी बात है। तीसरा पॉइंट मैं अभी आ जाता हूँ, वो है कि चाइना को वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर माना जाता था। तकरीबन ये माना जाता है कि दुनिया की 60% जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना से होती है, लेकिन अभी काफी सारी कंपनीज ये चाइना के बाहर जा रही है, कुछ ताइवान में, कुछ वियतनाम में और थोड़ी बहुत इंडिया में भी आ रही है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में हमारे लोग इतने झगड़ा करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेस्ट अनरेस्ट काफी होता है, इसलिए जो जो कंपनीज चाइना से बाहर जा रही थी वो उनका हिंदुस्तान में थोड़े बहुत तो आए है, लेकिन नंबर जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ा है। हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि ज्यादा से ज्यादा कंपनीज जो चाइना से शिफ्ट हो रही है उनका मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है वो हिंदुस्तान के अंदर शिफ्ट हो, जिससे हमारे युवकों को जॉब मिलेगा, हमारी इकोनॉमी और स्ट्रांग होगी और हमें हमारी इकोनॉमी चाइना से डीकपल करने के लिए और अच्छा मौका मिलेगा। लेकिन देखते हैं कि हमारी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ये कितनी इम्प्रूव होती है। अभी मैं जो मेरा आज का जो मुख्य विषय है इसके ऊपर आ जाता हूँ, चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसी, इसे शॉर्ट में CIS बोला जाता है। चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसी और बाकी देश की एजेंसी में क्या फर्क है? इसमें एक बहुत ही बड़ा फर्क है कि वो ये है कि चाइना अनकन्वेंशनल रिसोर्सेस का काफी इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पे जो बाकी के देश होते हैं, हमारा देश भी जिसमें शामिल है, वो इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए प्रोफेशनल इंटेलिजेंस वर्कर्स का काम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम हेड बोल सकते हैं, जिसे हम सोर्स बोले सकते हैं, जिसे हम इंफॉर्मेंट बोल सकते हैं, जिसे हम खबरें बोल सकते हैं, तो इसके लिए प्रोफेशनल लोग होते हैं कि जो ये काम करते हैं। लेकिन चाइना इसके अंदर उनके जो स्टूडेंट्स बाकी देश में काम कर रहे हैं इनका इस्तेमाल करता है, उनकी जो इंडस्ट्री सब दुनिया में फैली हुई है उनका इस्तेमाल करता है, उनके मीडिया के लोग हैं उनका इस्तेमाल करता है। कोई भी चाइनीज, वो चाइनीज आदमी हो या चाइनीज हार्डवेयर हो या चाइनीज सॉफ्टवेयर हो, जिसके नाम के पीछे चाइना आ जाता है, ये एक तौर पे चाइना के गुप्त हेर का काम करता है और कोई ना कोई प्रकार की इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस की चोरी हमारे से करता रहता है। तो चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसे CIS बोला जाता है, इसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी है MSS, ये इनका काम है ये इस प्रकार के इंटेलिजेंस के काम करना। और उनका दूसरा एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी MPS, जिनका काम है चाइना की जो अंदर की इंटेलिजेंस होती है उससे कलेक्शन करना। इसके सिवाय एक यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट नाम का एक उनकी मिनिस्ट्री है, जिनका काम है कि जो चाइनीज बिजनेसमैन है, चाइनीज सिविलियंस है, चाइनीज एकेडमिक्स है और जितने सारे चाइनीज टूरिस्ट है, ये सब जो बाकी देशों में जाते हैं उनका इस्तेमाल करके इंटेलिजेंस को कलेक्शन करना। जो उनकी आर्म फोर्सेस की जो
इंटेलिजेंस एजेंसी है उसे बोला जाता है पीएलए स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स। रिपीट करता हूँ, पीएलए, पीएलए यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स। तो इनका काम है मिलिट्री इंटेलिजेंस को गेन करना। और जो सबसे बड़ा लॉ कायदा जो चाइना ने पास किया है 2017 के अंदर, इसे एक गेम चेंजर बोला जाता है। इस लॉ का नाम है नेशनल इंटेलिजेंस लॉ 2017। ये चाइना के पार्लियामेंट ने पास किया है या पोलिट ब्यूरो ने पास किया है। इसमें क्या दिया है कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें ये बोला गया है कि चाइनीज गवर्नमेंट किसी भी चाइनीज नेशनल को देश के लिए इंटेलिजेंस ऑपरेशन करने के लिए कंपलसरी कर सकती है। चाइना की इंडस्ट्री हो, चाइना के आदमी हो, चाइना के एकेडमिशियंस हो, चाइना का कोई भी चाइनीज हो, उसे देश के लिए गुप्तहेर माहिती इकट्ठा करना, ये करना ही पड़ेगा। तो इसलिए चाइना के साथ, चाइना की गुप्तहेर अगर ऑपरेशंस रोकनी है तो हमें इन सब चीजों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। चाइना की जो सोशल मीडिया है, चाइना की जो प्रिंट मीडिया है, चाइना की जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वहां पे एक ग्रेट फायरवॉल लगा है। यानी कि हम कोई चाइना की न्यूज़पेपर के ऊपर कुछ कमेंट डालना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए चाइना का ग्लोबल टाइम्स नाम का न्यूज़पेपर है जो आप इंटरनेट के ऊपर पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके नीचे अगर आप कमेंट डालना चाहोगे कि आप जो लिख रहे हैं गलत है, चाइना में बहुत अत्याचार हो रहा है तिब्बतियों के ऊपर, चाइना में अत्याचार हो रहा है चिनजियांग मुस्लिम्स के ऊपर, तो वो आप वहां पे लिख नहीं पाएंगे। और जो सोशल मीडिया पूरी दुनिया में है, यानी कि फेसबुक है, यहाँ पे ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इसके बाद यूट्यूब है, ये कोई भी मीडिया वहां पे अलाउड नहीं है। रिपीट करता हूँ, दुनिया की कोई भी सोशल मीडिया चाइना में काम नहीं करती है और चाइना में केवल चाइनीज सोशल मीडिया काम करती है। तो हमारे सोशल मीडिया के ऊपर जो चाइना के एजेंट्स हैं, कुछ ब्यूरोक्रेसी वाले हैं, कुछ पॉलिटिशियंस हैं, कुछ और एकेडमिशियंस हैं, ये 400-500 चाइना के सपोर्टर्स हमारे प्रिंट मीडिया में, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, हमारे सोशल मीडिया के अंदर उल्टी सुलटी चीजें लिखते रहते हैं, तो वो हमारे मीडिया में आराम से पेनिट्रेशन करते हैं। लेकिन हम अगर उनके मीडिया में जाके उनके खिलाफ कुछ भी चीज बोलना चाहे तो वो नहीं कर सकते हैं। तो इसे ग्रेट फायरवॉल नाम से बोला जाता है। और ये फायरवॉल भी बड़ा अजीब है कि ये सिर्फ वन वे फंक्शन करता है। अगर उस फायरवॉल के थ्रू चाइना ने कुछ इंफॉर्मेशन भेजनी है किसी के पास तो वो जाती है, जिसे ग्रेट कैनन बोला जाता है। ग्रेट कैनन ये इस प्रकार की इंफॉर्मेशन है जो चाइना से जो डेटा निकलता है वो अलग अलग लोगों के पास चला जाता है, जिसके अंदर मालवेयर अटैक्स हो, इस प्रकार कोई वायरस डालना हो, तो इस प्रकार से काम वहां से किए जाते हैं। अभी हम क्विकली देखेंगे कि चाइनीज इंटेलिजेंस सर्विसेज जो है उनका, उन्होंने पूरी दुनिया में क्या किया है, उनका डेमोक्रेटिक कंट्रीज के लिए खतरा क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे देश में वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं, और उससे भी ज्यादा इम्पॉर्टेंट हम उसे किस प्रकार से रोक सकते हैं। देखिए जो ये चाइना इंटेलिजेंस सर्विसेज है, ये पूरी दुनिया को खतरा है, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है वहां पे ओपन प्रिंट मीडिया है, ओपन टीवी मीडिया है, सबको सब जगह पे जाने के लिए अलाउड होता है, लेकिन चाइना में नहीं अलाउड है। तो ये पूरी दुनिया की खबर तो ये इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन दुनिया का कोई भी देश चाइनीज मीडिया के अंदर जाना है तो उसे वो केवल हैक करके अंदर जा सकता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है डेमोक्रेटिक कंट्रीज को। चाइना काफी नॉन ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस असेट्स का इस्तेमाल करती है, जैसे मैंने बोला है चाइनीज स्टूडेंट्स जो बाहर होते हैं, चाइनीज टूरिस्ट जो बाहर होते हैं, चाइनीज बिजनेसमैन है, चाइनीज एकेडमिशियंस है, ये सब जब दूसरे देश में जाते हैं तो वो गुप्तहेर का काम करते हैं। इसके सिवाय जो हमारी सोशल मीडिया है, इसमें चाइना ने पेनिट्रेट किया हुआ है, उनके एजेंट्स चाइना की भाषा हमारी सोशल मीडिया के ऊपर
बोलते रहते हैं। समय के कमी के कारण मैं केवल दो ही एग्जाम्पल दूंगा, वो इतना ज्यादा प्रोपोगंडा करते हैं हमारे सोशल मीडिया के ऊपर। दो एग्जाम्पल कि चाइनीज आर्मी की ताकत बहुत ज्यादा है, चाइनीज आर्मी इंडियन आर्मी को हरा देगी, ये प्रोपोगंडा वो 6 महीना करते रहे। उसका खैर इंडियन आर्मी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ और पहली बार चाइनीज आर्मी की पिटाई हो गई। 1988 के बाद पहली बार 70 चाइनीज सोल्जर्स ये गलवान में मारे गए। तो ये एक चाइना को सबसे बड़ा धोखा था और उससे उनको पता लगा कि कन्वेंशनल लड़ाई यानी कि इंडियन आर्मी के साथ लड़ाई करने की उनकी क्षमता नहीं है, इसलिए वो जो नॉन ट्रेडिशनल रिसोर्सेस है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हाइब्रिड वॉर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रे जोन वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बारे में मैंने समय समय के ऊपर थोड़ी बहुत बातचीत की हुई है। तो चाइना हमारी सोशल मीडिया को मिसयूज करता है, लेकिन हम उनके सोशल मीडिया के ऊपर नहीं जा सकते हैं। चाइना जो अलग अलग जगह है वहां पे वो क्या करता है, चाइना ने अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट को अपने बाजू में लाने की कोशिश की है, कनाडा के कुछ साइंटिस्ट चाइना को खबर देते थे, ऑस्ट्रेलिया के कुछ लोग उनको खबर देते थे। चाइना ने पैसे के मदद से हर एक देश में अपने एजेंट्स तैयार किए हैं जिस फील्ड में उनको इंफॉर्मेशन या इंटेलिजेंस निकालने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका की टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंची है उसके ऊपर नजर रखना चाहिए, सोवियत यूनियन जो कंट्री है उनके जो वेपन सिस्टम्स है उनके डिजाइन की चोरी करनी चाहिए, या जो Fortune 500 कंपनीज है यानी कि दुनिया की जो सबसे बड़ी 500 कंपनीज है, ये माना जाता है हर एक के इंफॉर्मेशन की चोरी चाइना ने की हुई है। इसलिए मतलब कोई भी चीज चाइना के हैकर अटैक से, चाइना के साइबर अटैक से सेफ नहीं रही है और काफी सारा डेटा उन्होंने चोरी किया है। इतना ही नहीं तो ये माना जाता है कि जो ताइवान नाम का देश है उनकी टेक्नोलॉजी जो चाइना के आगे है तो वहां पर भी वो चोरी करते हैं। जब तक सवाल भारत का है तो चाइनीज इंटेलिजेंस ने भारत में किस प्रकार से काम किया है, वैसे देखा जाए तो चाइनीज इंटेलिजेंस ने हमारे देश में प्रवेश किया 1947 के पहले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। आपको याद होगा कि ब्रिटिश और उस समय जो चाइनीज थे चैंग कई शेक, ये एक दूसरे के मित्र थे और जापान उनका शत्रु था जो अल्टीमेटली भारत में आके पहुंचा था, इंफाल कोहिमा जो हमारे नागालैंड मणिपुर में जो जगह है वहां तक आके पहुंचा था। तो चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसी तभी काम करती थी ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ। बाद में देश स्वतंत्र हुआ और जब तिब्बत चाइना ने कैप्चर कर लिया तो उसके 2-3 साल पहले, ये 1959 में ये काम हुआ है, तो उसके 59 के बाद उन्होंने कार्रवाई करनी शुरू की। उसके कुछ साल पहले दलाई लामा भाग के यहाँ पर आए थे, तभी चाइनीज ने अपने एजेंट्स प्लान किए हैं तिबेटन्स के अंदर जो चाइना के लिए कुछ काम, कुछ तिबेटन चाइना के लिए काम करते हैं। जो जो नेबरिंग कंट्रीज है खास तो नेपाल वगैरह, वहां पर चाइना ने बुद्धिस्ट लोगों के अंदर अपने एजेंट्स वहां पे प्लान किए हैं। उनका बेसिक उद्देश्य था कि दलाई लामा के ऊपर नजर रखो, जो तिब्बतन भारत में काम करते हैं इनके ऊपर नजर रखो। जब तक सवाल है इंडियन आर्मी का, जब इंडियन आर्मी ने बड़ी डिप्लॉयमेंट की तो जो बॉर्डर एरियाज है वहां की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उन्होंने कुछ लोकल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ लोग जरूर पकड़े गए हुए हैं। इतना ही नहीं तो हमारा जो साथ वाला समुन्द्र है खासतौर अंडमान निकोबार आइलैंड के पास का समुद्र, वहां पे चाइनीज सर्वे शिप्स, चाइनीज इंटेलिजेंस ऑपरेशन करने वाले शिप्स काफी बार पकड़ी गई है, लेकिन पकड़ने के बाद हम उनको सीधा वापस भेज देते हैं, उनको पनिश नहीं करते हैं। याद रखना चाहिए कि जब हमारी कोई फिशिंग वेसल ये पाकिस्तान की सीमा में जाती है तो अगले वो 2 साल वापस नहीं आती और उस बोट को वहीं बर्बाद किया जाता है और हमारे फिशरमैन 2 साल 3 साल तुरुंग में पड़े रहते हैं। तो ये जो चाइनीज हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आते हैं उनको भी हमने जेल के अंदर डालना चाहिए ताकि चाइना को पता लगे कि जो इस प्रकार की इंट्रूजन वो हमारे समुद्र में करता है तो इसे इंडिया एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके बाद चाइना ने
सिक्सटीज और सेवेंटीज के दौरान जो हमारा नॉर्थ ईस्ट के जो भाग था वहां पे इंसर्जेंसी को सपोर्ट करने की कोशिश की, वो मिजो इंसर्जेंसी हो या नागा इंसर्जेंसी। इनफैक्ट चाइनीज एजेंट जो थे वो जो नागालैंड में जो सबसे बड़ा बंडखोर ग्रुप था NSCN IM और NSCN K, इनके जो लीडर्स थे इनको वो आके मिले हैं और उनको उन्होंने शस्त्र देने की संभावना बताई है। और एक दो बार उन्होंने वाया बांग्लादेश या तब वाया ईस्ट पाकिस्तान इनको बड़े शस्त्र भी भेजे हुए हैं, जिसमें एक ऑपरेशन लीच नाम का एक ऑपरेशन बहुत ही फेमस है। तो ये नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट्स को ये लोग मदद करते रहे। कुछ लोग समय के ऊपर पकड़े गए हैं। इसमें उन्होंने पाकिस्तान की जो एजेंसी है गुप्तचर एजेंसी ISI उनकी भी काफी मदद ली हुई है। तो पहले चाइनीज एजेंसी और पाकिस्तानी इकट्ठा काम करती थी, लेकिन जैसे चाइनीज का स्किल डेवलप हो गया तो जो चाइना के जो प्रांत है बॉर्डरिंग म्यांमार, यहाँ पे इंडियन इंसर्जेंट्स के ट्रेनिंग कैंप ये शुरू थे और बाद में उन्होंने उसको पुश करके बांग्लादेश और म्यांमार में भेज दिया। बांग्लादेश ने इस कैंपों को बाद में बंद किया, तो अभी ये कैंप एक बार फिर से म्यांमार में तो शुरू है ही, इसके सिवाय जो चाइना का जो प्रोविंस है वहां पर भी ये शुरू है। इसके सिवाय जो ये जो नक्सल्स है या माओस्ट है या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट है या लेफ्ट विंग टेररिस्ट है, इनको भी चाइना काफी सारा मदद करता है। इसके बारे में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। तो चाइना ने काफी सारी चीज की हुई है हमारे देश में, लेकिन एक अच्छी बात ये हुई कि जब ये कोरोना शुरू हो गया फ़रवरी या नवंबर या जनवरी या दिसंबर के अंदर, तब पूरी दुनिया चाइना के खिलाफ चली गई। तो इसके बाद ये जो चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसी के जो ऑपरेशंस है इसके ऊपर कुछ किताबें पब्लिश हुई है वेस्टर्न मीडिया से, कुछ लेख पब्लिश हुए हैं, कुछ आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, और हर एक देश अभी चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से सस्पिशियस नजर से देखता है। तो इसलिए दुनिया में चाइना के खिलाफ एक काफी बड़ा बैकलैश शुरू हुआ है। चाइना टेक्नोलॉजी का बड़े तौर पर इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर जो चाइनीज ऐप्स थे वो उनके सबसे बड़े गुप्तहेर थे। हमने 300 से ज्यादा चाइनीज ऐप्स बैन कर लिए, ये एक बहुत अच्छी बात है। अभी भी जिसके पास चाइना का मोबाइल है, चाइना का कोई भी सॉफ्टवेयर है, चाइना का कोई भी हार्डवेयर है, तो ये बिल्कुल साफ है कि उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी जो इंटेलिजेंस है, ये पूरी चाइना चोरी कर रहा है। इसके बारे में कोई भी किसी को शक नहीं है। अगर आप इम्पोर्टेंट हो, यानी कि अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आप किसी साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हो, आप कई किसी यूनिवर्सिटीज के अंदर सिखाने का काम कर रहे हैं, तो आपको धोखा और ज्यादा है, क्योंकि वो इस प्रकार के लोगों की इंफॉर्मेशन चुराना चाहेंगे जो कोई साइंटिस्ट है, जो किसी इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट पोजिशन के ऊपर है, जो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च कर रहा है, वगैरह वगैरह। चाइना का एक बहुत बड़ा पावरफुल इंटेलिजेंस कलेक्शन टूल है, जिसे बोला जाता है कॉन्फ्यूशियस सेंटर्स, कॉन्फ्यूशियस कॉन्फ्यूशियस। ये एक चाइनीज फिलोसोफर है जिसने फिलोसफी के बारे में काफी कुछ किया है, लेकिन कॉन्फ्यूशियस के नाम से चाइना ने जो सेंटर्स तैयार किए हैं वो सेंटर्स एक इंटेलिजेंस कलेक्शन एजेंसीज है। भारत में तकरीबन 55 इस प्रकार के सेंटर्स अलग अलग यूनिवर्सिटीज में काम करते थे, इंक्लूडिंग मुंबई यूनिवर्सिटी। मैं रिपीट करता हूँ, इंक्लूडिंग मुंबई यूनिवर्सिटी, इंक्लूडिंग IIT, इंक्लूडिंग हमारी कुछ फेमस एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन जब ये लद्दाख का स्टैंड अप शुरू हुआ उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने इसे एक बार फिर से इसकी असेसमेंट की, और अभी ये जो कॉन्फ्यूशियस स्टडी सेंटर जो है ये बंद किए गए हैं। और अभी मेरी इंफॉर्मेशन ये बताती है कि केवल चाइनीज लैंग्वेज सीखने के लिए सेंटर्स हमारे कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर है। अगर आपके पास और कुछ खबर होगी कि और कहीं पर ये काम कर रहे हैं, तो ये जरूर हमारी जो
सरकार है उनको ये खबर जरूर भेजते रहिए, क्योंकि चाइना के ऊपर नजर रखनी है। तो हमारी सब लोगों ने आंख और कान खुला रख के कोई भी इस प्रकार की खबर है तो वो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के पास जरूर भेजना चाहिए। तो चाइना के कॉन्फ्यूशियस स्टडी सेंटर्स को बंद किया गया है। चाइना टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस को रोकने में हमने काफी अच्छा काम किया है। क्या हम ऑफेंसिव ऑपरेशन करके चाइना के मीडिया के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं कि नहीं? क्या हमने चाइना के एडिक्वेट नंबर ऑफ एजेंट्स को पकड़ा है कि नहीं? तो उसका शॉर्ट आंसर है कि हम कोशिश तो कर रहे हैं, हम उनके अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा सक्सेस रेट ये इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। तो हमने थोड़ा सा सक्सेस रेट इससे आगे ये करना, इससे आगे जाना चाहिए। अभी तुम जैसे 5 मिनट में बोल दो, सक्सेस रेट थोड़ा सा और आगे जाना चाहिए, इसलिए हमारी कोशिश जो है वो हमने जारी रखनी चाहिए। जब तक चाइना का सवाल है, चाइना हमारा देश का दुनिया हमारा देश का एनिमी नंबर वन है। वो हमें हमारी आर्थिक प्रगति रोकने की कोशिश करेगा, करता रहेगा। जो चाइनीज इंटेलिजेंस की जो लड़ाई है अभी शुरू है, इसके आगे भी शुरू रहेगी। तो हमें अभी बहुत साल तैयार रहना पड़ेगा इस लड़ाई को लड़ने के लिए। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश की चाइना के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसी की जो खबर है वो ज्यादा किसी के पास नहीं है, और हर एक इंडियन को इसके बारे में पता होना चाहिए, ताकि हम कान और आंख खुला रख के हमारी देश की साइबर बाउंड्रीज की रक्षा कर सकते हैं, हमारी देश की इंफॉर्मेशन जो चुराने की कोशिश है उसकी रक्षा कर सकते हैं। जो प्रोपोगंडा वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो चाइना से होता है उससे हम बच सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो चाइना की इंटेलिजेंस ऑपरेशन को रोकने के अंदर एक कॉमन आदमी की भूमिका काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये वीडियो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। मैं यहीं पे रुकता हूँ। हम अगले हफ्ते एक बार फिर मिलेंगे। तब तक सबसे विदा लेते हैं। जय हिंद।